वेलकम बैक, मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं मैथ्स 2 का इंडेक्स नंबर। पहले समझ लो इस चैप्टर किसको किसको कॉमन रहेगा। 12th स्टैंडर्ड वालों को न्यू सिलेबस के हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड ने आपको ये चैप्टर रखा हुआ है। ओके, तो 12th वालों के लिए ये तो यूजफुल है ही, साथ में फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए भी ये चैप्टर यूजफुल है इंडेक्स नंबर। हाँ, 12th और फर्स्ट ईयर बीकॉम का चैप्टर अपन कंपेयर कुछ हद तक ही कर सकते हैं, कुछ हद तक ये चैप्टर कॉमन है फॉर बोथ, और फर्स्ट ईयर बीकॉम में इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, वो जो मैं आगे जाके बात करता हूँ उसके ऊपर, बट जो उसका बेसिक स्टफ है जो 12th स्टैंडर्ड में अपने को पढ़ना है वो फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों को तो फिर से पढ़ना ही पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों को कुछ एडवांस पढ़ना है। तो ये जो इंडेक्स नंबर जो मैं चैप्टर सिखा रहा हूँ इसमें से जो पहला कॉमन एरिया है, जो बेसिक एरिया है, वो अपन कवर करेंगे, जो 12th स्टैंडर्ड वालों को पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों के लिए मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा पार्ट वीडियोस लेक्चर बना दूंगा जो सिर्फ आपके लिए रहेंगे। किसके लिए? फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए। ठीक है, साथ ही में ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड वालों को इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के अंदर भी रखा था, तो 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स हो या 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स हो, उसके अंदर भी अपने को इंडेक्स नंबर ये चैप्टर काम आने वाला है। तो क्या बोला मैंने, रिपीट कर देता हूं, दिस चैप्टर इज यूजफुल फॉर 12th स्टूडेंट्स। वो मैथ्स है, नॉन मैथ्स है, तुझे ये लेक्चर काम का है। ठीक है, इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एज अ कंसेप्ट इसको सीखना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को एज अ मैथ्स 2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर तुम लोग को ये चैप्टर इन डिटेल में पढ़ना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को अपन चालू कर देते हैं। चैप्टर को चालू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या सीखना है। तो मैं एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, यानी बर्ड्स आई व्यू मतलब एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट है, क्या क्या अपन जाके इधर सबके सब कंसेप्ट पढ़ने वाले एक एक करके। एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म होएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई मैं जादू नहीं कर सकता कि ये चैप्टर 15-20 मिनट के वीडियो में मैंने खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, क्वेश्चन आंसर भी अपन सॉल्व करने वाले। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स। तो सुनो क्या बर्ड्स आई व्यू रहेगा। आज मैं बात करूंगा बेसिक्स एंड यूसेज ऑफ द इंडेक्स नंबर चैप्टर के ऊपर। ठीक है, क्या बेसिक्स है, क्यों इंडेक्स नंबर आया, इंडेक्स नंबर की लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इंडेक्स नंबर किन किन फील्ड में यूज किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशंस अपने चलेंगे जिसके अंदर अपन एक एक करके पढ़ लेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स है तो कितने सारे टाइप्स है वो देख लेंगे। साथ में मैथ्स 2 का चैप्टर है, मतलब बेशक क्या जाएगा, फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। लगभग मैं आपको बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर 12 से 13 फॉर्मूलाज अपने को पढ़ने का है, बट मैं एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, एक ही फॉर्मूलाज के अंदर आपको सब फॉर्मूला आना चालू हो जाएंगे, इतना तगड़ा लॉजिक दूंगा फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो टेंशन मत रखना, मैथ्स 2 बोलता है तो स्टूडेंट्स को टेंशन आता है, स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज बायआउट करना चालू कर देते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि फॉर्मूलाज में कभी बायआउट नहीं कराता, लॉजिक दे देता, उस लॉजिक को याद रखो, तुम और मल्टीपल जितने मर्जी तुम्हारे फॉर्मूलाज बना सकते हो, कम से कम 12 से 13 फॉर्मूलाज तो तुम आराम से बनाओगे सिर्फ एक फॉर्मूला सीखने के बाद, और उस एक फॉर्मूला की भी अच्छे से लॉजिक के ऊपर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तीन कंसेप्ट मैंने बोले, एक बेसिक्स, देन टाइप्स, और एक मैंने बोला फॉर्मूलाज विद लॉजिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। फिर इन सब के ऊपर अपने को क्या आएगा, क्वेश्चंस आएगा। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर तो अपने को क्वेश्चन किस पैटर्न में दिया रहेगा, तो साइमल्टेनियसली मैं एक एक इंडेक्स नंबर सिखाऊंगा, एक एक उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी अपन सॉल्व करेंगे। सब इंडेक्स नंबर के 15 से 20 फॉर्मूलाज एक साथ सिखा दूं और फिर बाद में जाके एक एक का क्वेश्चन आंसर करूं तो वो थोड़ा बहुत आपको वो प्रॉपर एक आपको चेन नहीं लगेगा, इंडेक्स नंबर चैप्टर में आपको एक लिंक नहीं लगेगा। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक इंडेक्स नंबर उसके ऊपर के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस भी इसके अंदर ही तुम्हारे सब के सब कवर हो जाएंगे। आपको घर पे बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनते रहना। ठीक है, फिर जो मैंने लास्ट के जो चार बुलेट्स लिखे, दैट इज चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, शिफ्टिंग ऑफ बेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एंड उसके ऊपर की क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये जो फर्स्ट 4 पार्ट्स है दैट इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, ये सबके लिए, ये 12th स्टैंडर्ड का जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है
फॉर 12th स्टैंडर्ड इंडेक्स नंबर चैप्टर इन चार कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही है, बट फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम इट इज एक्सटेंडेड फर्दर एक्सटेंडेड टू दिस फोर कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों को ये लास्ट के चार कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सीखने के, और 12th वालों को बस ये पहले चार कॉन्सेप्ट, मतलब अपने हिसाब से पहले चार बुलेट जो मैंने टाइप्स किया उसके हिसाब से सीख लेना। आई होप योर बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस चैप्टर आपको क्लियर है। तो चलो मैं बात करना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर है क्या, क्या है इंडेक्स नंबर, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हो इंडेक्स नंबर उसका नाम है तो ऐसा नाम ही उसको क्यों दिया है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, मतलब एक एवरेज निकालने का ही तरीका। अभी एवरेज निकालने का तरीका मैं बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ टाइप्स ऑफ एवरेज याद आ जाने चाहिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर कभी तुमने सुना है, जरूर सुना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन छोड़ो यार, मीन सुना क्या, मीन हाँ, मीन इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज ना, मीन मोड मीडियन बचपन में तुम सॉल्व करते थे यार। तो मीन मोड मीडियंस आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, दिस इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट एवरेज ओनली। मीन पढ़ा है तुमने, मीन के ऊपर मैं और डिटेल में याद दिलाना चाहता हूँ तुम लोग को, मीन के अंदर तुमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ दो। तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दीज आर द टाइप्स ऑफ मीन, दीज आर द टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो इंडेक्स नंबर भी क्या बोलता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। और एवरेज बोला तो इसके लिए इसके अंदर अपन किसका भी बात करेंगे, मीन का भी बात करेंगे, यानी एवरेजेस मतलब ही मीन और मीन मतलब ही इंडेक्स नंबर, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। जो क्या चेंजेस है उसके अपन देखते हैं, अपन क्या डिस्कशन में जा रहा हूं, बस उसको अच्छे से सुनते रहना। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या इंडेक्स नंबर्स के अंदर टाइप्स है। इन डिटेल ये मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बस एक आपको आइडिया देना चाहता हूँ, बिकॉज ये हर एक के ऊपर मुझे डिटेल में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल देख लो तुम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में क्या है। तो एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, एक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक है वैल्यू और एक है स्पेशल। ये जो नंबर मैंने लिखा हो ना, तो प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर अपने को और आगे जाके चार कंसेप्ट पढ़ने, मतलब उसके अंदर चार टाइप्स है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कोई टाइप नहीं, वैल्यू इंडेक्स नंबर में कोई टाइप नहीं, स्पेशल इंडेक्स नंबर एक मैंने कैटेगरी करके रखा जिसके अंदर लगभग अपने को सात फॉर्मूलास पढ़ने का, कितना सात। तो ये सेवन फॉर्मूलास, इसके ऊपर तो मुझे अलग से कहानी है, अपना एक अमेजिंग ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसके ऊपर आपने को ये सातों के साथ तुम लोग को एक साथ याद रह जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो स्पेशल इंडेक्स नंबर ये अलग से मैं बात करने वाला हूँ। तो ये जस्ट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर थे जो मुझे बोलने थे। मैंने अभी अभी आपको जस्ट बोला कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। ठीक है, उसके अंदर कुछ टाइप्स का बात करेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी। तो कोई बोलेगा ये स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हमने अपने को पढ़ने को आया है क्यों, इंडेक्स नंबर ये एक एवरेज है, हमने इसके पहले भी बहुत सारे एवरेज पढ़ लिए, तो ये नया टाइप का एवरेज क्यों आया हमारे लाइफ में, क्यों हम इसको पढ़ रहे। तो पहले अपना सिलेबस जो डिसाइड किया गया वो समझो किस तरीके से डिसाइड किया है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द न्यू बिजनेस आइडियाज। ओके, तो एज अ बिजनेसमैन तुम लोग इन फ्यूचर जाके जब भी कोई खुद का बिजनेस करोगे या किसी और का बिजनेस मैनेज करोगे तो उस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन। कोई बोलेगा कैसे, ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर अपने को पढ़ना है एज अ बिजनेस मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे पढ़ने का है, एज अ बिजनेस मैथ्स, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, एज अ बिजनेस मैथमेटिक्स। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर के अंदर आपको आएगा। ये चैप्टर सीख लिया मतलब आपने डिसीजन मेकिंग सीख लिया। तो हाउ इट इज, कैसे, तो चलो बात करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, बिजनेस बोलेगा तो बिजनेस के अंदर आते हैं ट्रेडर। ठीक है, तो कोई एक बंदा है, कोई एक ट्रेडर है जो क्या करता है, बाय और सेल करता है। ठीक है, मतलब किधर से, तो 100 में कुछ क्वांटिटीज परचेस करता है और शायद वो 150, 200, 120 उसके हिसाब से क्या करता रहेगा, सेल करता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो बाय करता है और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एक वैल्यू पे वो चीज को सेल कर देता है। एंड बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस इज नथिंग बट उसका क्या, प्रॉफिट, यस और नो। तो 50 रुपीज का प्रॉफिट उसने कमाया ऐसा अपन बात कर सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल, कोई भी बिजनेसमैन के ये ट्रांजेक्शंस होते हैं जो ओवर द ईयर चलते रहते हैं। नाउ इस चैप्टर को मैं डिसीजन मेकिंग इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज इंडेक्स नंबर इज स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज जो डिसीजन लेने के लिए इन बिजनेसमैन को काम आएगा। सपोज कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन है जिसको किसी साल में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था। ठीक है, सपोज ईयर में बात कर रहा हूं मैं, ईयर 2015, ईयर 2016, ईयर 2017,
ईयर 2018, ईयर 2019, ईयर 2020 एंड फ्यूचर ईयर दैट इज ईयर 2021। कोई बिजनेसमैन है जो आज सपोज ईयर 2020 में खड़ा है, ईयर 2020 में उसने अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता किया, ठीक है, उसके साथ उसने अपने बिजनेस के पिछले पांच या चार साल जो भी पास्ट ईयर से उसके पास जो अवेलेबल है उसके भी प्रॉफिट उसने पता किया, तो उसको पता चला ईयर 2015 का प्रॉफिट 2016 के प्रॉफिट से बढ़ चुका है, 17 का उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो धीरे धीरे अपना बिजनेस है ना अपना प्रॉफिट क्या कर जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो अभी इस बंदे को ये चिंता है कि 2021 में प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, या समझो किसी साल बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी साल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो 2021 यानी फ्यूचर की उसको चिंता है कि इन फ्यूचर जाके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। ओके, बढ़ेगा तो क्या रेट से बढ़ेगा, कम होएगा तो क्या रेट से कम होएगा, तो अपना पास्ट डेटा को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अपने पास्ट डेटा को ऑब्जर्व करते हुए वो अपने फ्यूचर को क्या कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है, एस्टिमेट कर लेता है। तो पास्ट डेटा को ऑब्जर्व करते हुए अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करने के लिए पास्ट डेटा को ऑब्जर्व करके एक रेट फाइंड आउट करना, ओके, एंड दैट रेट इज नथिंग बट आर इंडेक्स नंबर जो अपना चैप्टर है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, वो एक रेट फाइंड आउट करता है, मतलब क्या फाइंड आउट करता है, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करता है, दैट स्पेशल रेट, स्पेशल एवरेज, वो उस एवरेज को पकड़ के चलता है और सोचता है कि फ्यूचर में मेरे साथ यही होने वाला है, मतलब या तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये रेट से बढ़ेगा, यानी 10% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा, वो परसेंट में बात कर सकता है, कभी वैल्यूज में नहीं बोलेगा मेरा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ेगा, 10 लाख से बढ़ेगा, कभी नहीं, नेवर, रुपीज टर्म्स में कभी बात ही नहीं की जाती है, द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनी नंबर इज द परसेंटेज ओनली। तो इंडेक्स नंबर ये क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज जो नंबर में बात करता है, एक्चुअल नंबर में बात करता है कि परसेंटेज में बात करता है, बट ऑफ कोर्स परसेंटेज में बात करेगा। तो दो चीजें मैंने बोला, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज एज वेल एज इट इज इन अ परसेंटेज फॉर्म, हमेशा किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। कुछ बिजनेसेस थाउजेंड्स में बिजनेस करते हैं, कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन लाखों में कमाते हैं, कुछ बिजनेसमैन करोड़ों में कमाते हैं, कुछ बिजनेसमैन मिलियंस में कमाते हैं। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए अपने को एक सुटेबल एक ऐसा एवरेज लेके आना था, तो मैं थोड़ी ना लैक्स वाला इंडेक्स नंबर निकालूंगा, मैं थोड़ी ना थाउजेंड वाला इंडेक्स नंबर निकालूंगा, तो वैल्यू टर्म्स में इंडेक्स नंबर निकालना बहुत मुश्किल था और कभी आ भी नहीं सकता था। दैट्स व्हाई इंडेक्स नंबर कंसेप्ट अपने पास किस में है, परसेंटेज में है, किस चीज में है, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज बोलेगा यानी पर परसेंटेज यानी व्हाट, परसेंट, परसेंट, द सेंट मींस व्हाट, हंड्रेड, मतलब अपन हर एक चीज को हंड्रेड से कंपेयर करते हैं और हंड्रेड के सेट के अंदर फिर कोई लाखों वाला बिजनेस मानो या करोड़ों में बिजनेस करने वाला बिजनेस मानो, तेरे टोटल टर्नओवर को तू हंड्रेड कंसीडर करो और हंड्रेड के कंपेरिजन में तू ये फाइंड आउट कर कि तेरा बिजनेस का प्रॉफिट हंड्रेड में से कितना रुपीज का, हंड्रेड में से 20, हंड्रेड में से 30, यानी उससे वो पता कर लेता है कि मेरा इंडेक्स नंबर का रेट क्या, हंड्रेड में से 20 यानी 20%, 30%। तो दिस इज एन स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज विच एक्सप्रेस इन व्हाट, परसेंटेज, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ, बट उसको परसेंटेज का सिंबल करके कभी लिखा नहीं जाता। मिसाल के तौर पे इंडेक्स नंबर का आंसर आ रहा है तुम्हारा 20, हाँ तो उसको 20 लिखो, 20% ऐसा कभी शो मत करना, बिल्कुल नहीं, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 20, दैट्स इट, वो बस तू समझ कि वो परसेंटेज ही है, क्या है वो, परसेंटेज। तो इंडेक्स नंबर होता परसेंटेज है, बट कभी उसके सामने परसेंटेज का सिंबल लिखा जाता नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, क्या है ये, क्यों लाया है ये, बिजनेसमैन के एंगल से पर्सपेक्टिव से अपने को पढ़ने का, और बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है ना, इसके लिए इसके अंदर टाइप भी कुछ ऐसे ही बनाया गया, जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने टाइप्स पढ़े रहेंगे, तो मैं उस स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, ये टाइप जो हमने पढ़े, क्या एक टाइप से देखो ना जरा, एक टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या लिखा है, प्राइस इंडेक्स नंबर, एक क्या लिखा है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और फिर क्या लिखा है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, सवाल ऐसे ही इंडेक्स नंबर के टाइप होने थे, बिकॉज वी आर लर्निंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेसमैन, मैंने क्या बोला, एक जगह से चीजें बाय करेगा, सेल करेगा, तो गुड्स बाय करता है, सेल करता है, तो बाय करता है तो कुछ तो पर्टिकुलर क्वांटिटी वो बाय करता रहेगा, यानी यूनिट्स बाय करता रहेगा, अरे सॉरी नो, और यूनिट्स बाय करता रहेगा तो उसके लिए कुछ तो प्राइस पे करता रहेगा, अरे बोलो ना, तो दैट्स व्हाई जो वो यूनिट्स बाय करता है उसके यूनिट्स बाय करने की टेक्निक्स, या उसने कितना ज्यादा यूनिट बाय किया, उसने कितना यूनिट कम सेल कर पाया या ज्यादा सेल कर पाया, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी उसका बिजनेस का एवरेज निकाल पाना, बिजनेस का
ग्रोथ पता कर पाना, इस चीज को बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइजेस, उसकी लास्ट ईयर प्राइजेस को कंपेयर करो करंट ईयर के प्राइजेस के साथ, और फिर जाके उसका एक बिजनेस का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो। दैट इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट व्हाट? प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ, यानी वैल्यू कैसे आती है, जब भी पर्टिकुलर प्राइस को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते तो वैल्यू आती है ना, नहीं समझा? मिसाल के तौर पर ठीक है, मैं 5 लैपटॉप्स परचेस करना चाहता हूं, तो 5 इज द क्वांटिटी। ओके, एक लैपटॉप कितने का, सपोज 1 लैपटॉप इज ऑफ 50,000, तो 50,000 इज द प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप। ऐसे में 5 क्वांटिटीज अगर परचेस करूंगा तो कितना टोटल वैल्यू में पे करूंगा, कैसे आता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हाट? वैल्यू। तो 15 × 5 व्हाट एवर इट इज, जो भी आता है, उस इंडेक्स नंबर को अपन क्या बोलेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले भी बोला, स्पेशल क्या है, इसके ऊपर मुझे स्पेशल अलग से स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा, तो मैं उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आई होप ये इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ द इंडेक्स नंबर आप सबको क्लियर है। इसे इंडेक्स नंबर चैप्टर के आगे अपन बढ़ते रहेंगे एक एक करके। मैं इंडेक्स नंबर के ऊपर, जस्ट अभी हमने बेसिक्स के ऊपर बात किया, टाइप्स के ऊपर बात किया, किसको इंडेक्स नंबर यूज है वो हमने बात किया, क्यों ऐसे टाइप्स बनाने पड़े वही मैंने जस्ट बात किया। मैंने अभी भी कोई भी आपको फॉर्मुला नहीं सिखाया, ठीक है, कोई फॉर्मुलाज पर मैंने बात नहीं किया। तो फॉर्मुलाज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगा। ओके, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ताबड़तोब मिलते रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड बेसिक, मैंने इतना सा ही पार्ट आज के लिए कवर किया है, और अभी जाके नेक्स्ट सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज विद द ब्यूटीफुल लॉजिक्स, और एक एक करके साइमल्टेनियसली एक एक इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते चलेंगे। तो दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।